हे गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। आज हम लखनऊ के नोवोटेल में, ये यहाँ के गोमती नगर एरिया में लोकेटेड है। और नोवोटेल एक बहुत ही अच्छा होटल चेन है इंडिया में, इसकी काफ़ी ब्रांचेज हैं और मैं ट्राई करने आया हूँ उनके लखनऊ का एक्सपीरियंस कैसा है इस होटल का। मुझे देखना है कि यहाँ पे कौन सी फैसिलिटीज़ हैं, आपको भी मैं दिखाऊंगा इसके साथ साथ कि यहाँ क्या क्या है, कैसा रूम है, रूम टूर कराऊंगा आपको एंड फिर दिखाऊंगा इस होटल में और क्या क्या एमिनिटीज़ हैं रूम्स के साथ और क्या क्या चीज़ें आपको करने को मिलती हैं, क्योंकि मैंने पढ़ा है कि स्विमिंग पूल भी है और जिम भी है। तो ऊपर चलते हैं, 6th फ्लोर में मेरा रूम है, वहाँ जाके फिर आपको आगे का दिखाता हूँ। तो यहाँ का चेक इन टाइम दोपहर के 12 बजे का है और चेकआउट टाइम सुबह के 11 बजे का है। तो 23 आवर्स के लिए आपको रूम मिल जाता है। रूम्स के टैरिफ अलग है, सिंगल ऑक्यूपेंसी का अलग है और डबल ऑक्यूपेंसी का अलग है, वो मैं वीडियो के एंड में आपको लिख के बताऊंगा। ऑल्दो रेट्स हमेशा चेंज होते रहते हैं। ये है एक बढ़िया सी लॉबी इनके होटल की, काफ़ी स्पेशियस लॉबी है। आप यहाँ पे वेट कर सकते हो, मैगजीन्स न्यूज़पेपर्स पढ़ सकते हो अपने होटल रूम का, जब तक रेडीनेस होती है तब तक आप यहाँ पे वेट कर सकते हैं। और साथ ही में आपके लिए यहाँ पे एक स्नैक्स और बेकरी के लिए छोटा सा स्टॉल है, काफ़ी अच्छा सा वेल डेकोरेटेड प्लेस है। यहाँ पे कॉफ़ी, हॉट कॉफ़ी और डोनट्स और पेस्ट्रीज अवेलेबल थे। इसके साथ ही यहाँ पे टाइम टू टाइम पेटीज एंड ब्रेड आपको अलग अलग टाइप की मिल जाएंगी। इवन आप यहाँ पे एक बर्थडे केक भी प्रोक्योर कर सकते हो। अब हम जाएंगे अपने 6th फ्लोर के रूम पे। तो जो लिफ्ट्स हैं वो काफ़ी अच्छी हैं, नीट एंड क्लीन हैं और यहाँ पे जो रूम का कार्ड होता है उसी से एंट्री होती है। आप लिफ्ट का बटन तभी प्रेस कर पाओगे जब आपके पास रूम का कार्ड होगा। तो ये काफ़ी सेफ़ एंड सिक्योर जगह है। अभी फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये है अपना रूम और ये है वॉशरूम, काफ़ी अच्छे से खुला है। ये शावर एरिया है, डिसेंट है, शावर है। बाकी यहाँ पे स्पेस है रखने के लिए। ये वॉशरूम है और बेसिन है, टॉयलेट है, कुछ पेंटिंग। अब आते हैं बेसिक रूम पे। लाइटिंग थोड़ी डिम है तो आप लोग को शायद थोड़ा कम दिखाई दे, पर मैं ट्राई कर रहा हूँ। अच्छा डेकोरेशन है, सोफ़ा है, एक मेरा बैग रखा हुआ है एंड ये बेड है, किंग साइज़ बेड। यहाँ पे एक चेयर है एंड ये टेबल है, वर्किंग टेबल, रीडिंग लैम्प और ये इलेक्ट्रिक केटल। थोड़े से एमिनिटीज़, ड्रॉर्स खाली ही हैं आई गेस। हाँ, ऐसे भी ड्रॉर्स हो गए हैं। ये अपना साइड टेबल है, पेंटिंग है, लैंप है, यहाँ पे अपना क्लोजेट है, एक क्लोजेट में अच्छी जगह है। आयरन है, यहाँ पे टॉर्च है एंड हैंगर्स, आपको डिस्पोजेबल फुटवेयर और ये तिजोरी भी है। तो अगर आप कुछ कीमती माल ला रहे हैं यू कैन यूज़ दिस। ये हो गया। उसके अलावा मेरे पास जो व्यू है मैं आपको वो दिखा देता हूँ। तो ये है व्यू, यहाँ पे ये रोड दिख रही है, गोमती नगर की विभूति खंड। ये व्यू है, ताज़ी ताज़ी कॉफ़ी मेरी बन चुकी है। अपने पीछे है गोमती नगर का बढ़िया सा व्यू और इस व्यू के साथ साथ मैं एंजॉय करने जा रहा हूँ इस कॉफ़ी को। कैसे बनाया मैंने आपको दिखाया फटाफट रिकैप। पानी गर्म करा इलेक्ट्रिक केटल में, उसके अंदर डाला आधा कप, वहाँ पे था अपना कॉफ़ी, कॉफ़ी को मिक्स करा, मिल्क पाउडर था, मिल्क पाउडर मिक्स करा और फिर थी शुगर, ब्राउन शुगर, वाइट शुगर, शुगर फ्री। तो मैंने ब्राउन शुगर डाल दी, उससे ज़्यादा मीठी नहीं होती है। अब ट्राई करके देखते हैं कैसी बनी है कॉफ़ी। बहुत बढ़िया कॉफ़ी है, स्ट्रॉन्ग है, एकदम रिफ्रेशिंग से हो गई है। मैं आपको दिखाता हूँ बाहर के व्यू का एक टाइम लैप्स। अब मैं आ गया हूँ 7th फ्लोर पे। यहाँ पे इनका जिम है,
नाम है इम्बैलेंस जिम, जो कि काफ़ी फनी है बीइंग अ जिम। और ये देखिए जादू, मेरे घुसते ही अपने आप लाइट्स ऑन हो गई यहाँ की। तो ये हैं ट्रेडमिल्स जिसपे कपड़े नहीं सूख रहे हैं आज। और ये डंबल्स हैं सारे साइजेस के, छोटे बड़े। यहाँ पे वेट्स हैं, बेंच प्रेस रखी है, शोल्डर है, चेस्ट है, ऑलमोस्ट हर तरह के मशीन्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। देख सकते हो यहाँ पे भी मेरे पास चिल करने का एरिया है। पूल टाइमिंग 7 to 7 है। यहाँ पे गाने बज रहे हैं तो थोड़ा कॉपीराइट से बचूंगा मैं। शावर एरिया भी है वहाँ पे, काफ़ी बढ़िया पूल लग रहा है। लोग काफ़ी कम है आज होटल में, मैं एक वीकडे पे आया हूँ। और ये बड़ा सा बैलून, हवा काफ़ी तेज़ चल रही है, मे बी आप लोग को थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रहा हूँ। मैं यहाँ से व्यू दिखाना चाहता हूँ आपको। यहाँ से मुझे लग रहा है कि काफ़ी वाइड अपना वुडन फ्लोरिंग है, उसमें वुडन फ्लोरिंग है, पेबल्स। यहाँ से दिखाता हूँ 360 डिग्री व्यू नहीं पर 270 डिग्री व्यू तो है। वहाँ पे एक लेक, पर वो कैमरे में दिखेगी नहीं, मुझे दिख रही है पूल और ठंडी ठंडी हवा। ठंडी तो हवा नहीं है, ठीक ठीक है, बहुत ठंडी हवा नहीं है तो पूल भी ज़्यादा ठंडा नहीं कर रहा है, वरना तो पूल देख के ठंडी लग जाती अगर बहुत ठंडी हवा चल रही होती। सो अच्छा होटल है ये। मैंने आपको जिम दिखाया, मैंने आपको रूफ टॉप रेस्टोरेंट दिखाया। वहाँ पर कोई कस्टमर से नहीं, क्योंकि अभी जैसे 4:45 हो रहा है तो ये कोई अभी टाइम होता नहीं है जनरली खाने का। अभी सब लोग रेस्ट कर रहे होंगे या घूमने गए होंगे। तो लखनऊ का नोवोटेल अच्छा है। मैं मुंबई के नोवोटेल गया हूँ जो जुहू पे है, तो वहाँ पे जो व्यू है ऑब्वियसली वहाँ पे जुहू बीच का व्यू आता है। और ये मैं सेकेंड नोवोटेल है मेरा एक्सपीरियंस लखनऊ में, अच्छा है ये भी। सर्विस काफ़ी अच्छी लगी मुझे यहाँ पे, रूम काफ़ी स्पेशियस है एंड जो स्टाफ है वो भी बहुत कर्टियस है, सब अपनी प्राइवेसी देते हैं एक दूसरे को, मतलब बहुत घुसते नहीं है, बहुत ज़्यादा ये नहीं कि सर ये ले लो वो वाला सिस्टम नहीं है, अच्छा है। और ये मैं अपने मन से यहाँ पे ब्लॉग बना रहा हूँ क्योंकि किसी ने मुझे पे नहीं कराया, तो ये मत सोचना कि किसी ने पैसे दिए हुए हैं तो ये बोल रहा है, जो मन में आ रहा है बोल रहा हूँ। खाना बहुत महंगा है तो मैं यहाँ पे खा भी नहीं रहा हूँ, तो ये भी मैंने आपको बता दिया। मतलब अभी जो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता ना 550 की दाल और 95 की तवा रोटी तो ज़्यादा ही हो जाता है, तो वो चीज़ यहाँ पे कॉस्टली है। लेकिन जो अपना एमिनिटीज़ है, जो आपका पूल साइड एरिया है, जो आपका रेस्टोरेंट के जो व्यूज़ हैं, आपके रूम से जो व्यू आ रहा है, रूम में जो बेड है, जो साथ में सोफ़ा, मतलब जो वॉशरूम है काफ़ी अच्छे से बना, छोटा है वॉशरूम, थोड़ा छोटा है मैं ये कहूँगा, थोड़ा बड़ा हो सकता था। इसके अलावा जो रूम का साइज़ है वो काफ़ी स्पेशियस है, कबर्ड वगैरह अच्छा है, तो ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं यहाँ पे। तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे ड्रोन उड़ाया जाए, ड्रोन से आपको थोड़ा सा ये अच्छा व्यू दिखाऊँ मैं पूल का। तो चलो ट्राई करता हूँ, नेक्स्ट शॉट में आप देखते हो ड्रोन व्यू। आप लोग कभी पूल में ऐसे पैर डुबा के बैठे हो यार, ऐसे करके बैठो ना, बहुत मज़ा आती है, ठंडी हो चाहे गर्मी हो, पर जब पूल के पानी की ठंडक पैरों को लगती है ना, उसका एक अलग ही मज़ा होता है, अलग ही सुकून मिलता है। और इससे मुझे वही सुकून आ रहा है, तो मैंने कहा इस मोमेंट को भी कैप्चर कर लेते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। क्योंकि मैं जब यहाँ पे आया, मैंने कहा पूल है, कूद तो सकते नहीं है, तो कम से कम चलो पैर डुबा के बैठ जाए, क्योंकि हम नदी किनारे भी बैठते हैं, गंगा जी में पैर डुबा के, या किसी तालाब में कभी बैठ जाते हैं लेक में, तो वही वाला मज़ा आ रहा है। और ये सब करे बहुत टाइम हो गया था, तो आज ये करने का मौका मिला तो बड़ा अच्छा लग रहा है।
आप लोगों को भी कभी मौका मिला करे ना पूल मिला करे तो ऐसे पैर डाल के बैठ जाया करो, कपड़े क्या पहने हैं, क्या करना है ये सब मत सोचा करो, बस बैठ जाया करो। जब होटल वगैरह हम लोग बुक करते हैं तो वहाँ पूल आमतौर पर होता ही रहता है, वो होटल फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है तो उसका ऐसे यूज़ करो, ये मत सोचो कि यार मैं तो वाले कपड़े नहीं लाया, मैं ये नहीं कर सकता वो नहीं कर सकता। जो कपड़े हैं जीन्स ऊपर करो, पैंट ऊपर करो, बैठ जाओ यार, ठंडा ठंडा लगता, बढ़िया लगता है। तो कैसा लगा टाइम लैप्स बाहर का और ड्रोन व्यू? बहुत तेज़ हवा चल रही थी, ड्रोन मेरा इधर उधर भागने लगा, तो मैंने कहा भाई पकड़ के नीचे आओ। अब मैं वापस नीचे आ गया और फिर मैं कुछ खाना खाने गया, जैसा कि मैंने बताया था यहाँ पे तो मैं खाना अफोर्ड नहीं कर सकता था, तो मैं बाहर खाना खाने गया और अब वापस आ गया हूँ। और अब टाइम है यहाँ से निकलने का, क्योंकि रात में यहाँ पे स्टे करने का प्लान नहीं है और आपको एक्सपीरियंस मुझे शो करना था बेसिकली, तो एक्सपीरियंस शो करने के लिए रात में रुकना इज़ नॉट नेसेसरी। आपको मैंने दिखा दिया रूम का टूर, आपको दिखा दिया क्या क्या फैसिलिटीज़ मिल रही हैं और पूल साइड कैसा है और रेस्टोरेंट ऊपर का कैसा है, और मैंने फिर आपको जो नीचे की लॉबी थी वो भी मैंने शो कर दी है। सो आपको एक आइडिया लगेगा कि ये होटल कैसा है। तो कभी आप यहाँ पे स्टे करना चाहो तो आप प्लान बना सकते हो, आपको आइडिया रहेगा कि कैसा है होटल। तो जैसे कि फ़ोटोज़ एंड ऑल में थोड़ा सा कम इन्फॉर्मेशन मिलती, तो मुझे लगा कि ऐसे वीडियो के थ्रू आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। तो बस यही मैंने दिखाना था जो मैंने आपको दिखा दिया है। तो ये शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो थी और इसमें एक चाय बनाने का ट्यूटोरियल भी था इलेक्ट्रिक केटल से, क्योंकि मुझे पता है मेरे बहुत दोस्त इलेक्ट्रिक केटल से चाय नहीं बना पाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है ये पता नहीं कौन सा नासा का इक्विपमेंट है। तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा होता है, पानी भर के गर्म करना होता है। तो बस ये मैंने दिखा दिया, अब नेक्स्ट ब्लॉग का वेट करिए आप लोग। तब तक के लिए इस वीडियो को कर दो लाइक और कमेंट्स में बता दो कि आपका फेवरेट होटल एक्सपीरियंस कहाँ करा है इंडिया में, क्योंकि आप लोग कभी ना कभी शादी में अपने ट्रैवल टाइम पे कहीं ना कहीं तो स्टे कराई होगा। तो सबसे अच्छा है सबसे बुरा कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग बताना चाहो तो ज़रूर बताना कमेंट्स के अंदर, और बाकी ये वीडियो पे शेयर कर दो या जितने लोगों को कर सको शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब मार दो, लाल बटन है नीचे सब्सक्राइब भाड़ से मार दो। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं अगली बार, बाय बाय।